हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे धोखेबाज जानवरों से मिलाने वाला हूँ जिसे देखने के लिए नसीब लगता है। वो इसलिए कि अगर ये आपके सामने भी आ जाएं, तो आप इन्हें देख नहीं पाओगे, क्योंकि प्रकृति ने इन्हें एक ऐसा हुनर दिया है जिससे ये खुद को छुपाने में कामयाब हो जाते हैं। और इनका ये हुनर एक छलावरण है। बहुत से प्राणी अपने इस छलावरण का इस्तेमाल शिकार करने या शिकारी से बचने के लिए करते हैं, इसलिए इन्हें धोखेबाज प्राणी कहा जाता है। अब आप इस फोटो को देखिए। इस फोटो में एक छिपकली बैठी हुई है, क्या आप इसे देख सकते हैं? अगर नहीं तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने कमाल के हैं। तो बने रहे वीडियो के आखिर तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, मलेशियन लीफ इंसेक्ट। दोस्तों ये कीड़ा मलेशिया में पाया जाता है, जो देखने में बिल्कुल हरे पत्ते जैसा दिखाई देता है। अब तो आपको पता चल ही गया होगा इसे लीफ इंसेक्ट क्यों कहा जाता है, पर आपको बता दूं कि इस कीड़े को आसानी से नहीं पहचाना जा सकता, क्योंकि ये इतने चालाक होते हैं कि ये जिस पौधों पर रहते हैं उसी के पत्तों को खाकर उसकी जगह ले लेते हैं, ताकि कोई इन्हें आसानी से न पहचान सके। अगर आप इन कीड़ों को ध्यान से देखोगे तो आपको 99% ये पत्ते जैसे ही दिखाई देंगे और सिर्फ 1% कीड़े जैसे दिखाई देंगे, क्योंकि इनकी पूरी बॉडी, यहाँ तक कि इनके पैर भी पत्ते जैसे ही होते हैं। अगर आप नॉर्मली इन पौधों को देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस पर 4 इंच का कोई कीड़ा भी मौजूद है ना कमाल की बात। नंबर 9, मॉसी फ्रॉग। दोस्तों ये मेंढक वियतनाम में पाया जाता है। बात करें इसके रूप की तो ये मेंढक बिल्कुल एक घास की तरह दिखाई देता है। अगर इस मेंढक को किसी घास के ऊपर रख दिया जाए तो आप इसमें फर्क नहीं कर पाओगे। इस मेंढक का रंग हरा होता है, जिस पर काले धब्बे होते हैं, और साथ में इसकी त्वचा पर हल्के कांटे भी होते हैं। ये मेंढक अक्सर पानी के अंदर जमी काई पर बैठे होते हैं, और इस दौरान इन्हें पहचानना बहुत मुश्किल होता है, और अपने इसी हुनर के कारण ये अपने शिकारियों को भी धोखा दे जाते हैं। नंबर 8, पिग्मी सी हॉर्स। दोस्तों क्या आप इसमें छुपे हुए सी हॉर्स को पहचान सकते हैं? चलिए मैं ही बता देता हूँ। दोस्तों इस बात पर कोई शक नहीं है कि पिग्मी सी हॉर्स दुनिया के सबसे बड़े छलावरण प्राणियों में से एक है। वो इसलिए कि ये सी हॉर्स 20 मिलियन वर्षों से इस समुद्र में रहते हैं। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात ये है कि वैज्ञानिकों ने इसे सिर्फ 50 साल पहले ही खोजा है। क्यों, है ना हैरानी वाली बात? और जब वैज्ञानिकों ने इसका परीक्षण करने के लिए इसे अपने लैब में ले गए तो उन्होंने पाया कि ये सी हॉर्स जिस जगह पर रहते हैं उसके अनुसार ये अपने रंग को बदलने में सक्षम रहते हैं। कमाल के प्राणी है ना। नंबर 7, ग्रेट रॉक फिश। दोस्तों इस मछली को लंबी रॉक फिश के रूप में भी जाना जाता है। इसकी खास बात यह है कि यह बिल्कुल किसी पत्थर की तरह दिखाई देती है। यह मछली भी धोखा देने में सबसे आगे होती है। यह अपने रूप का फायदा उठाकर शिकार के पास आने का इंतजार करती है, और जैसे ही शिकार पास आता है यह उस पर झपट लेती है। दोस्तों रॉक फिश दुनिया की जहरीली मछलियों में से एक है। इसका जहर एक वयस्क आदमी को 1 घंटे से भी कम समय में मारने के लिए काफी है। लेकिन इस मछली का एक प्लस पॉइंट भी है, क्योंकि इसमें 33 ग्राम प्रोटीन, विटामिन डी और पोटेशियम होता है, जो एक अच्छा पोषक तत्व है। नंबर 6, लीफ सी हॉर्स। दोस्तों ये सी हॉर्स किसी एक्वेरियम के प्लांट जैसा दिखाई देता है, और ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। पौधों की तरह दिखने वाला ये सी हॉर्स आंखों का सबसे बड़ा धोखा है। अगर ये सी हॉर्स सचमुच पौधे के आसपास हो तो उसे पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है, और अपने इसी हुनर के कारण ये अपने शिकारी को भी धोखा देने में कामयाब हो जाता है। और इसी वजह से ये सी हॉर्स ज्यादातर अपने समुद्री पौधों के आसपास रहते हैं। सच में प्रकृति ने इन्हें कमाल का रूप दिया है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लेना। नंबर 5, ईस्टर्न स्क्रीच आउल। दोस्तों ये उल्लू किसी खोखले पेड़ के होल में रहता है। ये उल्लू देखने में ग्रे और भूरे रंग के हो सकते हैं। इसकी सबसे हैरानी वाली बात यह है कि ये जिस पेड़ पर रहता है उसकी छाल का रंग इससे मिलता जुलता है। कभी कभार इसकी पोजीशन ऐसी होती है कि ये पता ही नहीं चलता कि यहाँ एक उल्लू भी बैठा है। इसकी आंखों का रंग भी इसके शरीर के आधार पर होता है। दोस्तों इस उल्लू का छलावरण ऐसा दृश्य दिखाता है मानो ये उसी पेड़ का एक हिस्सा हो, और इसका यही छलावरण इसे इसके दुश्मनों से भी बचाता है। नंबर 4, माउंटेन हेयर। दोस्तों बर्फीली जगह पर रहने वाला यह खरगोश
छलावरण का सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा छलावा इसका सफेद रंग है जो इस बर्फीली जगह से मिलता जुलता है। अगर आपने इसे दूर से भी देख लिया तो आपके पास पहुंचने तक वो आपको चकमा देकर जा चुका होगा, और इसी तरह से ये अपने शिकारियों को भी चकमा देता है। आपको बता दूं कि यहाँ इसका सबसे बड़ा दुश्मन गोल्डन ईगल और जंगली बिल्ली है, और इतना ही नहीं, इंसानों द्वारा भी इसका शिकार करने के कारण इसकी संख्या में कमी होती जा रही है। नंबर 3, डेड लीफ बटरफ्लाई। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सी तितलियां हैं, लेकिन एक तितली ऐसी भी है जिसका छलावरण बहुत ही कमाल का है, क्योंकि ये बिल्कुल किसी सूखे पत्ते की तरह दिखाई देती है। जब इस तितली को किसी खतरे का एहसास होता है तो वो बिल्कुल किसी बेजान पत्ते की तरह पड़ी रहती है और खतरा टलते ही उड़कर चली जाती है। ये तितली भारत और जापान में पाई जाती है। इस तितली के सूखे पत्ते की तरह होने के कारण इसे छलावरण की लिस्ट में रखा गया है। वैसे तितली सच में बहुत कमाल की है। नंबर 2, सैंड क्रैब। दोस्तों, अब इस केकड़े को देखिए जो बिल्कुल साधारण लग रहा है, लेकिन ये अपना ज्यादा समय रेत के अंदर बिताता है। जब इन्हें कोई खतरा महसूस होता है तो ये सीधे रेत के अंदर चले जाते हैं, और इसके बाद इन्हें ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये रेत के अंदर रहते हुए भी अपनी जगह बदलते रहते हैं और इसका रंग भी रेत से मिलता जुलता है। इसकी खास बात यह है कि ये सिर्फ पीछे की तरफ से ही चल सकते हैं, जिसके कारण इनकी चाल थोड़ी धीमी होती है। नंबर 1, लीफ टेल्ड गेको। दोस्तों, ये छिपकली दुनिया के सबसे बड़े छलावरण में से एक है, और ये मेडागास्कर के आइलैंड में पाई जाती है। ये छिपकली हर तरह के पत्तों के रंग में पाई जाती है, और इसकी एक सबसे बड़ी निशानी है, और वो है इसके पत्ते जैसी दिखने वाली पूंछ। ये छिपकली अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से अपना रंग तेजी से बदलती है, जिसके कारण इन्हें पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ये इतने आराम से अपने जगह पर रहते हैं कि इनकी मौजूदगी को देख पाना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, और इसी वजह से ये छिपकली नंबर 1 पर है। तो दोस्तों, आपको हमारे इन धोखेबाज जानवरों की वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।